पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 20 शरद ऋतु का विवरण प्रलंबासुर की हत्या और कृष्ण और बलराम द्वारा विनाशकारी जंगल की आग को भस्म करना वृंदावन में घरेलू विषय बन गया। चरवाहों ने अपनी पत्नियों और अन्य सभी को इन अद्भुत गतिविधियों का वर्णन किया और सभी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण और बलराम देवता थे जो कृपया अपने बच्चे बनने के लिए वृंदावन आए थे। इस तरह बरसात का दौर शुरू हो गया। भारत में भीषण गर्मी के बाद बरसात के मौसम का बहुत स्वागत होता है। आकाश में जमा हुए बादल सूर्य और चंद्रमा को ढंक कर लोगों को बहुत भाते हैं और वे हर पल वर्षा की उम्मीद करते हैं। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का आगमन सभी के लिए जीवनदायिनी माना जाता है। गड़गड़ाहट और कभी कभी बिजली भी लोगों के लिए सुखद होती है। वर्षा ऋतु के लक्षणों की तुलना उन जीवों के लक्षणों से की जा सकती है जो प्रकृति के तीन गुणों से आच्छादित हैं। असीमित आकाश सर्वोच्च ब्रह्म की तरह है और छोटे जीव आच्छादित आकाश की तरह हैं, या ब्रह्म प्रकृति के तीन गुणों से आच्छादित हैं। मूल रूप से हर कोई ब्रह्म का हिस्सा और पार्सल है। सर्वोच्च ब्रह्म या असीमित आकाश कभी भी बादल से ढका नहीं जा सकता है, लेकिन इसके एक हिस्से को कवर किया जा सकता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, जीव भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के अभिन्न अंग हैं, लेकिन वे सर्वोच्च भगवान का केवल एक तुच्छ हिस्सा हैं। यह भाग भौतिक प्रकृति के गुणों से आच्छादित है और इसलिए जीव इस भौतिक संसार में निवास कर रहे हैं। ब्रह्म ज्योतिर आध्यात्मिक तेज सूरज के समान है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश आण्विक चमकदार कणों से भरा है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्योतिर भगवान के परम व्यक्तित्व के सूक्ष्म अंशों से भरा है। परमेश्वर के सूक्ष्म अंशों के उस असीमित विस्तार में से कुछ भौतिक प्रकृति के प्रभाव से आच्छादित हैं, जबकि अन्य मुक्त हैं। बादल सूर्य के द्वारा भूमि से खींचे गए संचित जल हैं। लगातार 8 महीने तक सूर्य ग्लोब की सतह से सभी प्रकार के पानी को वाष्पित करता है और यह पानी बादलों के आकार में जमा होता है, जो जरूरत पड़ने पर पानी के रूप में वितरित किया जाता है। इसी तरह सरकार नागरिकों से आयकर और बिक्री कर जैसे विभिन्न करों की वसूली करती है, जो नागरिक अपनी विभिन्न भौतिक गतिविधियों कृषि व्यापार उद्योग आदि द्वारा भुगतान करने में सक्षम होते हैं। इस कराधान की तुलना सूर्य द्वारा पृथ्वी से पानी खींचने से की जाती है। जब फिर से ग्लोब की सतह पर पानी की आवश्यकता होती है, तो वही धूप पानी को बादलों में बदल देती है और पूरे विश्व में वितरित कर देती है। इसी तरह सरकार द्वारा एकत्र किए गए करों को फिर से लोगों को शैक्षिकी कार्य सार्वजनिक कार्य स्वच्छता कार्य आदि के रूप में वितरित किया जाना चाहिए। यह एक अच्छी सरकार के लिए बहुत आवश्यक है। सरकार को केवल बेकार की फिजूल खर्ची के लिए करों को ठीक नहीं करना चाहिए। कर संग्रह का उपयोग राज्य के लोक कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। बरसात के मौसम में पूरे देश में तेज हवाएं चलती हैं और बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जरूरतमंद जीवों को जीवनदायी जल वितरित करती हैं। गर्मी के मौसम के बाद पानी की तत्काल आवश्यकता होती है और इस प्रकार बादल एक अमीर आदमी की तरह होते हैं, जो जरूरत के समय अपने पूरे खजाने को समाप्त करने के लिए भी अपना पैसा बांट देता है। इसलिए बादल दुनिया भर में पानी वितरित करके खुद को समाप्त कर लेते हैं। जब भगवान रामचंद्र के पिता महाराज दशरथ अपने शत्रुओं से लड़ते थे, तो कहा जाता था कि वे उनके पास वैसे ही पहुंचे जैसे कोई किसान अनावश्यक पौधों और पेड़ों को उखाड़ फेंकता है, और जब दान देने की जरूरत पड़ती थी तो वह ठीक वैसे ही पैसे बांटते थे जैसे बादल बारिश बांटता है। बादलों द्वारा वर्षा का वितरण इतना शानदार है कि इसकी तुलना एक महान दानी व्यक्ति द्वारा धन के वितरण से की जाती है। मेघों की वर्षा इतनी विपुल होती है कि वर्षा चट्टानों और पहाड़ियों पर और समुद्रों पर भी होती है, जहां पानी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बादल एक परोपकारी व्यक्ति के समान होते हैं जो वितरण के लिए अपना खजाना खोलता है और जो यह भेदभाव नहीं करता है कि दान की आवश्यकता है या नहीं, वह खुलेआम दान देता है। वर्षा से पहले ग्लोब की पूरी सतह सभी प्रकार की ऊर्जाओं से लगभग समाप्त हो जाती है और बहुत दुबली दिखाई देती है। वर्षा के बाद पृथ्वी की पूरी सतह वनस्पतियों से हरी हो जाती है और बहुत स्वस्थ और मजबूत प्रतीत होती है। यहाँ भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए तपस्या करने वाले व्यक्ति की तुलना की जाती है। वर्षा ऋतु के बाद पृथ्वी की फलती फूलती स्थिति की तुलना भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से की जाती है। कभी कभी जब कोई देश अवांछनीय सरकार के अधीन हो जाता है, तो व्यक्ति और दल सरकार पर नियंत्रण पाने के लिए घोर तपस्या और तपस्या करते हैं, और जब वे नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं तो वे खुद को उदार वेतन देकर फलते फूलते हैं। यह क्षणिक लाभ वर्षा ऋतु में पृथ्वी के फलने फूलने के समान है। वास्तव में आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए ही घोर तपस्या करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में यह अनुशंसा की जाती है कि सर्वोच्च भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या या तपस्या को स्वीकार किया जाना चाहिए। भक्तिमय सेवा में तपस्या स्वीकार करने से व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन को पुनः प्राप्त करता है, और जैसे ही वह अपने आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करता है, वह असीमित आध्यात्मिक आनंद का आनंद लेता है। लेकिन अगर कोई भौतिक लाभ के लिए तपस्या और तपस्या करता है, तो भगवद गीता में कहा गया है कि परिणाम अस्थाई हैं और वे कम बुद्धि वाले व्यक्तियों द्वारा वांछित हैं।
बरसात के मौसम में शाम के समय पेड़ों के शीर्षों के आसपास इधर उधर कई चमकते कीड़े दिखाई देते हैं और वे रोशनी की तरह चमकते हैं, लेकिन आकाश के प्रकाशमान तारे और चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी तरह कलयुग में नास्तिक या दुष्ट व्यक्ति बहुत प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं, जबकि वे व्यक्ति जो वास्तव में आध्यात्मिक मुक्ति के लिए वैदिक सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं व्यवहारिक रूप से अस्पष्ट हैं। इस युग कलयुग की तुलना जीवों के मेघ काल से की जाती है। इस युग में वास्तविक ज्ञान सभ्यता की भौतिक उन्नति के प्रभाव से आच्छादित है। सस्ते मानसिक सट्टेबाज नास्तिक और तथाकथित धार्मिक सिद्धांतों के निर्माता चमक के कीड़ों की तरह प्रमुख हो जाते हैं, जबकि वैदिक सिद्धांतों या शास्त्रों के आदेशों का सख्ती से पालन करने वाले व्यक्ति इस युग के बादलों से आच्छादित हो जाते हैं। लोगों को आकाश के वास्तविक प्रकाशमान सूर्य चंद्रमा और सितारों का लाभ उठाना सीखना चाहिए, न कि ग्लोबॉम के प्रकाश का। दरअसल रात के अंधेरे में ग्लोबॉम कोई रोशनी नहीं दे सकते। जैसे बादल कभी साफ होते हैं बरसात के मौसम में भी और कभी कभी चांद तारे और सूरज दिखाई देते हैं, वैसे ही इस कलयुग में भी कभी कभी फायदे होते हैं। उदाहरण के लिए कभी कभी भगवान चैतन्य के हरे कृष्ण मंत्र के जाप के वितरण के वैदिक आंदोलन को सुना जाता है। वास्तविक प्रकाश को खोजने के लिए गंभीर रूप से उत्सुक लोगों को मानसिक सट्टेबाजों और नास्तिकों के प्रकाश की ओर देखने के बजाय इस आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए। पहली बारिश के बाद जब बादलों में गड़गड़ाहट की आवाज आती है तो सभी मेंढक कराहने लगते हैं, जैसे छात्र अचानक अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। छात्रों को आमतौर पर सुबह जल्दी उठना चाहिए। वे आमतौर पर अपनी मर्जी से नहीं उठते हैं, लेकिन केवल तभी जब मंदिर या अन्य आध्यात्मिक संस्थान में घंटी बजती है। गुरु के आदेश से वे तुरंत उठ जाते हैं और सुबह की ड्यूटी खत्म करने के बाद वे वेदों का अध्ययन करने या वैदिक मंत्रों का जाप करने के लिए बैठ जाते हैं। हर कोई कलयुग के अंधेरे में सो रहा है, लेकिन जब कोई महान आचार्य होता है तो केवल उसके बुलावे से हर कोई वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदों का अध्ययन करता है। बरसात के मौसम में कई छोटे तालाब झीलें और नाले पानी से भर जाते हैं, अन्यथा शेष वर्ष वे सूखे रहते हैं। इसी तरह भौतिकवादी व्यक्ति शुष्क होते हैं, लेकिन कभी कभी जब वे एक तथाकथित भव्य स्थिति में होते हैं, एक घर या बच्चों या एक छोटे से बैंक बैलेंस के साथ, वे फलते फूलते दिखाई देते हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद वे फिर से सूखे हो जाते हैं जैसे छोटे नाले और तालाब। कवि विद्यापति ने कहा कि मित्रों परिवार बच्चों पत्नी आदि के समाज में कोई न कोई सुख अवश्य होता है, लेकिन उस सुख की तुलना रेगिस्तान में पानी की एक बूंद से की जाती है। हर कोई सुख के लिए तरस रहा है, जैसे रेगिस्तान में हर कोई पानी के लिए तरस रहा है। यदि मरुस्थल में जल की एक बूंद है तो यह अवश्य कहा जा सकता है कि जल है, परंतु जल की उस बूंद से लाभ बहुत नगण्य है। हमारे भौतिकवादी जीवन में जो रेगिस्तान की तरह है, हम सुख के सागर के लिए तरस रहे हैं, लेकिन समाज दोस्तों और सांसारिक प्रेम के रूप में हमें पानी की एक बूंद से ज्यादा नहीं मिल रहा है। हमारी संतुष्टि कभी हासिल नहीं होती, क्योंकि सूखे मौसम में छोटे छोटे नाले झीलें और तालाब कभी पानी से नहीं भरे जाते। वर्षा के कारण घास पेड़ और अन्य वनस्पतियां बहुत हरी भरी दिखती हैं। कभी कभी घास एक विशेष प्रकार के लाल कीट से ढक जाती है और जब हरे और लाल रंग के छतरीनुमा मशरूम के साथ मिल जाते हैं तो पूरा दृश्य बदल जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति अचानक अमीर हो गया हो। किसान तो अपने खेत को अनाज से भरा हुआ देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन पूंजीपति जो हमेशा एक अलौकिक शक्ति की गतिविधियों से अनजान रहते हैं दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वे प्रचुर उत्पादन के कारण प्रतिस्पर्धी मूल्य से डरते हैं। कुछ जगहों पर सरकार में कुछ पूंजीपति किसानों के अनाज के उत्पादन को प्रतिबंधित करते हैं, इस तथ्य को नहीं जानते कि सभी खाद्यान्नों की आपूर्ति भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व द्वारा की जाती है। वैदिक आदेश के अनुसार एको बहन यो विधाति कॉमन, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व इस रचना को बनाए रखते हैं, इसलिए वह सभी जीवों के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उसकी आपूर्ति की व्यवस्था करता है। जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो लोगों को खिलाना परमेश्वर का काम है, लेकिन नास्तिक या बदमाशों को खाद्यान्न का प्रचुर उत्पादन पसंद नहीं है, खासकर अगर उनके व्यवसाय में बाधा आ सकती है। वर्षा ऋतु के दौरान भूमि आकाश और जल में सभी जीव बहुत तरोताजा हो जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न होता है। हमें इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने छात्रों के साथ इसका व्यवहारिक अनुभव है। छात्र बनने से पहले वे गंदे दिखने वाले थे, हालांकि उनमें स्वाभाविक रूप से सुंदर व्यक्तिगत विशेषताएं थीं। कृष्ण भावनामृत की कोई जानकारी न होने के कारण वे बहुत गंदे और मनहूस दिखाई दिए। जब से उन्होंने कृष्ण भावनामृत को अपनाया है उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और उनके द्वारा नियमों और विनियमों का पालन करने से उनकी शारीरिक चमक में वृद्धि हुई है। जब वे भगवा रंग के कपड़े पहने, उनके माथे पर तिलक और उनके हाथों और गले में मोतियों के साथ पहने जाते हैं तो वे बिल्कुल वैकुंठ से आते हैं। वर्षा ऋतु में जब नदियां प्रफुल्लित होकर समुद्रों और समुद्रों की ओर दौड़ती हैं तो वे समुद्र को उद्वेलित करती हुई प्रतीत होती हैं। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति जो रहस्यवादी योग प्रक्रिया में लगा हुआ है आध्यात्मिक जीवन में बहुत उन्नत नहीं है
तो वह कामवासना से उत्तेजित हो सकता है। यद्यपि वर्षा ऋतु में ऊंचे ऊंचे पर्वत वर्षा की धारों से छिटक जाते हैं, वे नहीं बदलते। इसी तरह जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में उन्नत होता है, भले ही उसे कठिनाइयों में डाल दिया जाए, वह शर्मिंदा नहीं होता है। आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति जीवन की किसी भी प्रतिकूल स्थिति को भगवान की दया के रूप में स्वीकार करता है, और इस प्रकार वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से योग्य है। बरसात के मौसम में कुछ सड़कों का अक्सर उपयोग नहीं किया जाता है और वे लंबी घास से ढक जाते हैं। ये सड़कें बिल्कुल एक ब्राह्मण की तरह हैं जो वैदिक निषेधाज्ञा के सुधारात्मक तरीकों का अध्ययन और अभ्यास करने का आदि नहीं है। वह माया की लंबी घास से आच्छादित हो जाता है। उस स्थिति में अपने संवैधानिक स्वभाव को भूलकर वह भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के लिए अपनी शाश्वत सेवा की स्थिति को भूल जाता है। माया द्वारा बनाई गई लंबी घास के मौसमी अतिवृद्धि से विचलित होकर एक व्यक्ति अपने आप को माया उत्पादन के साथ पहचानता है और अपने आध्यात्मिक जीवन को भूलकर भ्रम के शिकार हो जाता है। बरसात के मौसम में बादलों के एक समूह में बिजली दिखाई देती है और फिर तुरंत बादलों के दूसरे समूह में। इस घटना की तुलना एक कामोत्तेजक महिला से की जाती है जो एक पुरुष पर अपना मन नहीं लगाती है। एक बादल की तुलना एक योग्य व्यक्ति से की जाती है क्योंकि वह बरसता है और बहुत से लोगों को पोषण देता है। एक व्यक्ति जो समान रूप से योग्य है, वह कई जीवित प्राणियों जैसे परिवार के सदस्यों या व्यवसाय में कई श्रमिकों को जीविका देता है। दुर्भाग्य से उसका पूरा जीवन एक पत्नी द्वारा परेशान किया जा सकता है जो उसे तलाक देती है। जब पति परेशान होता है तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, बच्चे तितर बितर हो जाते हैं या व्यवसाय बंद हो जाता है और सब कुछ प्रभावित होता है। इसलिए यह अनुशंसा की जाती है कि एक महिला जो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहती है, अपने पति के साथ शांति से रहती है और यह कि युगल किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं होते हैं। पति और पत्नी को कामवासना पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने मन को कृष्ण भावनामृत पर केंद्रित करना चाहिए ताकि उनका जीवन सफल हो सके। आखिरकार भौतिक दुनिया में एक पुरुष को एक महिला की आवश्यकता होती है और एक महिला को एक पुरुष की आवश्यकता होती है। जब वे संयुक्त हो जाते हैं तो उन्हें कृष्ण भावनामृत में शांति से रहना चाहिए और बादलों के एक समूह से दूसरे समूह में चमकती बिजली की तरह बेचैन नहीं होना चाहिए। कभी कभी बादलों की गर्जना के अलावा एक इंद्रधनुष का आभास होता है जो बिना तार के धनुष के रूप में खड़ा होता है। दरअसल एक धनुष घुमावदार स्थिति में होता है क्योंकि यह अपने दोनों सिरों पर धनुष की डोरी से बंधा होता है, लेकिन इंद्रधनुष में ऐसा कोई तार नहीं है और फिर भी यह आकाश में इतनी खूबसूरती से टिकी हुई है। इसी तरह जब भगवान इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं तो वे एक सामान्य मनुष्य की तरह ही प्रकट होते हैं, लेकिन वे किसी भौतिक स्थिति पर आराम नहीं कर रहे हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपनी आंतरिक शक्ति से प्रकट होते हैं जो बाहरी शक्ति के बंधन से मुक्त है। सामान्य प्राणी के लिए जो बंधन है वह है भगवान के व्यक्तित्व के लिए स्वतंत्रता। बरसात के मौसम में चांदनी बादलों से ढकी रहती है लेकिन बीच बीच में दिखाई देती है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा बादलों की गति से घूम रहा है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा स्थिर है, बादलों के कारण यह भी हिलता हुआ प्रतीत होता है। इसी प्रकार जिसने स्वयं को गतिमान भौतिक संसार से तादात्म्य कर लिया है, उसकी वास्तविक आध्यात्मिक चमक भ्रम से आच्छादित है और भौतिक गतिविधियों की गति के साथ वह सोचता है कि वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से गुजर रहा है। यह मिथ्या अहंकार के कारण है जो आध्यात्मिक और भौतिक अस्तित्व के बीच का सीमांकन है, जैसे गतिमान बादल सीमांकन है। चांदनी और अंधेरे के बीच बरसात के मौसम में जब पहली बार बादल दिखाई देते हैं तो मोर उन्हें देखकर खुशी से झूम उठते हैं। मोर की तुलना उन व्यक्तियों से की जा सकती है जो भौतिकवादी जीवन शैली में बहुत अधिक प्रताड़ित होते हैं। यदि वे भगवान की प्रेममयी भक्ति में लगे व्यक्ति की संगति पाते हैं तो वे प्रबुद्ध हो जाते हैं और मोर की तरह नृत्य करते हैं। हमें इसका व्यवहारिक अनुभव है। हमारे कई छात्र कृष्ण भावनामृत में आने से पहले सूखे और उदास थे, लेकिन भक्तों के संपर्क में आने के बाद वे अब हर्षित मोर की तरह नाच रहे हैं। जमीन से पानी पीने से पौधे और लताएं बढ़ती हैं। इसी प्रकार तपस्या करने वाला व्यक्ति शुष्क हो जाता है, लेकिन तपस्या पूर्ण होने और परिणाम प्राप्त करने के बाद वह परिवार, समाज, प्रेम, घर और अन्य सामग्री के साथ इंद्रिय तृप्ति में जीवन का आनंद लेना शुरू कर देता है। वह नए उगाए गए पौधों और घास की तरह हंसमुख हो जाता है। कभी कभी यह देखा जाता है कि सरस और बत्तख झीलों और नदियों के किनारे लगातार घूमते रहते हैं, हालांकि किनारे कीचड़ भरे कचरे और कंटीली लताओं से भरे होते हैं। इसी तरह जो लोग कृष्ण भावनामृत के बिना गृहस्थ हैं, वे सभी प्रकार की असुविधाओं के बावजूद लगातार भौतिक जीवन में लगे रहते हैं। पारिवारिक जीवन में या किसी भी जीवन में कृष्ण भावनाभावित हुए बिना कोई पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकता। श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि उनके पास एक ऐसे व्यक्ति की संगति होगी, या तो एक गृहस्थ या जीवन के त्यागी क्रम में एक व्यक्ति जो भगवान की दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा में लगा हुआ है और हमेशा भगवान चैतन्य के पवित्र नाम का रोना रो रहा है। भौतिकवादी व्यक्ति के लिए सांसारिक मामले बहुत आक्रामक हो जाते हैं, जबकि एक व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में है सब कुछ खुशी से स्थित प्रतीत होता है।
एक कृषि क्षेत्र के चारों ओर की बाधाएं कभी कभी भारी बारिश के कारण टूट जाती हैं। इसी तरह कलयुग में अनाधिकृत नास्तिक प्रचार वैदिक निषेधाज्ञा की सीमा को तोड़ता है। इस प्रकार लोग धीरे धीरे ईश्वर विहीन हो जाते हैं। बरसात के मौसम में हवा के थपेड़े मेघ जल देते हैं जो अमृत के समान स्वागत करते हैं। जब वैदिक अनुयायी ब्राह्मण राजाओं जैसे धनी पुरुषों और धनी व्यापारिक समुदाय के सदस्यों को महान यज्ञों के प्रदर्शन में दान देने के लिए प्रेरित करते हैं तो ऐसे धन का वितरण भी अमृत होता है। मानव समाज के चार वर्ग अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सहकारी मनोदशा में शांतिपूर्वक रहने के लिए हैं। यह तब संभव है जब वे विशेषज्ञ वैदिक ब्राह्मणों द्वारा निर्देशित होते हैं जो यज्ञ करते हैं और धन को समान रूप से वितरित करते हैं। बारिश से वृंदावन के जंगल में सुधार हुआ और यह पके हुए खजूर आम ब्लैकबेरी और अन्य फलों से भरा हुआ था। भगवान कृष्ण अपने प्रेमी और भगवान बलराम के साथ नए मौसमी वातावरण का आनंद लेने के लिए जंगल में प्रवेश किया। नई घासों से खिलाई गई गायें बहुत स्वस्थ हो गईं और उनके दूध के थैले बहुत भरे हुए थे। जब भगवान कृष्ण ने उन्हें नाम से पुकारा तो वे तुरंत स्नेह से उनके पास आए और उनकी खुशी की स्थिति में उनके थैलों से दूध बह निकला। गोवर्धन पर्वत स्थल से वृंदावन वन से गुजरते समय भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। यमुना के तट पर उन्होंने छत्तों से सजे हुए सभी वृक्षों को बरसते देखा। शहद गोवर्धन पहाड़ी पर कई झरने थे और उनके बहने से एक अच्छी आवाज आती थी। कृष्ण ने उन्हें सुना जब उन्होंने पहाड़ी की गुफाओं में देखा। जब बरसात का मौसम पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु में बदल रहा था। कभी कभी खासकर जब जंगल के भीतर वर्षा होती थी कृष्ण और उनके साथी एक पेड़ के नीचे या गोवर्धन पहाड़ी की गुफाओं के भीतर बैठकर पके हुए फल खाने और बात करने का आनंद लेते थे। बहुत खुशी के साथ जब कृष्ण और बलराम वन में थे माता यशोदा उन्हें कुछ फल मिठाइयां और दही मिलाकर चावल भेजती थी। कृष्ण उन्हें ले जाते यमुना के तट पर पत्थर की एक पटिया पर बैठ जाते और अपने दोस्तों को उनके साथ आने के लिए बुलाते। जब कृष्ण और बलराम और उनके मित्र भोजन कर रहे थे उन्होंने गायों बछड़ों और बैलों को देखा। गाय अपने भारी दूध के थैलों के साथ खड़ी होकर थोड़ी थकी हुई लग रही थी। बैठकर और घास चबाकर वे खुश हो गए और कृष्ण उन्हें देखकर प्रसन्न हुए। वर्षा ऋतु के कारण जंगल की सुंदरता को देखकर उन्हें गर्व हुआ जो कि उनकी अपनी ऊर्जा की अभिव्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं था। ऐसे समय पर कृष्ण वर्षा ऋतु में प्रकृति की विशेष गतिविधियों की प्रशंसा करेंगे। भगवद गीता में कहा गया है कि भौतिक ऊर्जा या प्रकृति अपने कार्यों में स्वतंत्र नहीं है। प्रकृति कृष्ण के अधीक्षण में कार्य कर रही है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि की गई है जिसमें कहा गया है कि भौतिक प्रकृति जिसे दुर्गा के नाम से जाना जाता है कृष्ण की छाया के रूप में कार्य कर रही है। कृष्ण की ओर से जो भी आदेश भेजा जाता है भौतिक प्रकृति उसका पालन करती है। इसलिए बरसात के मौसम द्वारा बनाई गई प्राकृतिक सुंदरता को कृष्ण के संकेत के अनुसार बनाया गया था जो इस प्रकार भौतिक प्रकृति की सुंदर गतिविधियों पर बहुत गर्व महसूस करते थे। जब कृष्ण और बलराम इस तरह से वर्षा ऋतु के उपहारों का आनंद ले रहे थे पतझड़ का मौसम धीरे धीरे आ गया। जब सभी जलाशय बहुत साफ हो गए और जब हर जगह सुखदायक और ताजा हवा चल रही थी शरद ऋतु की उपस्थिति के साथ आकाश सभी बादलों से पूरी तरह से साफ हो गया था और इसने अपने प्राकृतिक नीले रंग को पुनः प्राप्त कर लिया। वन के निर्मल जल में खिले हुए कमल के फूल ऐसे प्रतीत हुए जैसे योगाभ्यास से नीचे गिर गए हों लेकिन आध्यात्मिक जीवन को फिर से शुरू करके फिर से सुंदर हो गए हों। शरद ऋतु के आगमन के साथ सब कुछ स्वाभाविक रूप से सुंदर हो जाता है। इसी तरह जब कोई भौतिकवादी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत और आध्यात्मिक जीवन को अपनाता है तो वह भी पतझड़ में आकाश और जल के समान निर्मल हो जाता है। पतझड़ का मौसम आसमान में काले बादलों के लुढ़कने के साथ साथ प्रदूषित पानी को भी अपने साथ ले जाता है। भूमि पर गंदी स्थितियां भी शुद्ध हो जाती हैं। इसी तरह जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को अपनाता है वह तुरंत भीतर और बाहर की सभी गंदी चीजों से शुद्ध हो जाता है। इसलिए कृष्ण को हरि के रूप में जाना जाता है। हरि का अर्थ है वह जो ले लेता है। जो भी कृष्ण भावनामृत को अपनाता है कृष्ण तुरंत सभी अशुद्ध आदतों को दूर कर देते हैं। पतझड़ के बादल सफेद होते हैं क्योंकि उनमें पानी नहीं होता। इसी तरह एक सेवानिवृत्त व्यक्ति पारिवारिक मामलों अर्थात घर पत्नी और बच्चों को बनाए रखने के सभी उत्तरदायित्वों से मुक्त होकर और पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत को लेकर सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है और शरद ऋतु में बादलों की तरह सफेद दिखता है। शरद ऋतु में कभी कभी साफ पानी की आपूर्ति के लिए पहाड़ी की चोटी से झरने नीचे आते हैं और कभी कभी वे रुक जाते हैं। इसी तरह कभी कभी महान संत स्पष्ट ज्ञान वितरित करते हैं और कभी कभी वे चुप रहते हैं। वर्षा ऋतु के कारण पानी से भरे हुए छोटे छोटे तालाब पतझड़ में धीरे धीरे सूख जाते हैं। जहां तक जलाशयों में रहने वाले छोटे जलचरों की बात है वे यह नहीं समझ सकते हैं कि उनके तालाब दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। जैसे भौतिक रूप से तल्लीन व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि उनके जीवन की अवधि दिन ब दिन कम होती जा रही है।
ऐसे व्यक्ति गाय, संपत्ति, संतान, पत्नी, समाज और मित्रता को बनाए रखने में लगे रहते हैं। पतझड़ के मौसम में पानी कम होने और सूरज की चिलचिलाती गर्मी के कारण पानी के छोटे छोटे जलाशयों में रहने वाले छोटे जीव बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। वे बिल्कुल अनियंत्रित व्यक्तियों की तरह हैं, जो जीवन का आनंद लेने या अपने परिवार के सदस्यों को बनाए रखने में असमर्थ होने से हमेशा दुखी रहते हैं। मिट्टी की मिट्टी धीरे धीरे सूख जाती है और नई उगाई गई ताज़ा वनस्पतियां मुरझाने लगती हैं। इसी तरह जिसने कृष्ण भावनामृत को अपनाया है, उसके लिए पारिवारिक भोग की इच्छा धीरे धीरे सूख जाती है। पतझड़ के मौसम के प्रकट होने के कारण समुद्र का पानी शांत और शांत हो जाता है, जैसे आत्म साक्षात्कार में विकसित व्यक्ति भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से अशांति से मुक्त हो जाता है। शरद ऋतु में किसान मजबूत दीवारें बनाकर खेतों के भीतर पानी बचाते हैं, ताकि खेत के भीतर का पानी खत्म न हो सके। नई बारिश की शायद ही कोई उम्मीद है, इसलिए वे जो कुछ क्षेत्र में है उसे बचाना चाहते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति वास्तव में आत्म साक्षात्कार में उन्नत है, वह इंद्रियों को नियंत्रित करके अपनी ऊर्जा की रक्षा करता है। यह सलाह दी जाती है कि 50 वर्ष की आयु के बाद पारिवारिक जीवन से संन्यास ले लेना चाहिए और कृष्ण भावनामृत की उन्नति में उपयोग के लिए शरीर की ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए। जब तक कोई इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता और उन्हें मुकुंद की दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न नहीं कर देता, तब तक मोक्ष की कोई संभावना नहीं है। पतझड़ में दिन के समय धूप बहुत तेज होती है, लेकिन रात में चांदनी साफ होने से लोगों को दिन की थकान से राहत मिलती है। इसी तरह जो व्यक्ति मुकुंद या कृष्ण की शरण लेता है, उसे स्वयं के साथ शरीर की गलत पहचान की थकान से बचाया जा सकता है। मुकुंद या कृष्ण वृंदावन की युवतियों के लिए भी सांत्वना का स्रोत हैं। ब्रजभूमि की युवतियां हमेशा कृष्ण से अलग होने के कारण पीड़ित होती हैं, लेकिन जब वे चांदनी शरद ऋतु की रात में उनसे मिलती हैं, तो उनकी जुदाई की थकान दूर हो जाती है। जब आकाश सभी बादलों से मुक्त होता है, तो रात में तारे बहुत ही सुंदर ढंग से चमकते हैं। इसी तरह जब कोई व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, तो वह सभी गंदी चीजों से मुक्त हो जाता है और वह पतझड़ के आकाश में सितारों के समान सुंदर हो जाता है। यद्यपि वेदों में ज्ञान का पालन करने, रहस्यवादी योग का अभ्यास करने और बलिदान के रूप में कर्म गतिविधियों में संलग्न होने के निर्देश हैं, वेदों का अंतिम उद्देश्य भगवद गीता में कहा गया है, किसी को पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना होगा वेदों का अध्ययन। इसलिए कृष्ण भावनामृत में एक भक्त के स्वच्छ हृदय की तुलना शरद ऋतु के स्वच्छ आकाश से की जा सकती है। शरद ऋतु के दौरान चंद्रमा स्पष्ट आकाश में सितारों के साथ बहुत चमकीला दिखता है। भगवान कृष्ण स्वयं यदु वंश के आकाश में प्रकट हुए और वे बिल्कुल सितारों से घिरे चंद्रमा की तरह थे या यदु वंश के सदस्य थे। जब जंगल में बगीचों में पर्याप्त फूल खिलते हैं, तो ताजी सुगंधित हवा उन लोगों को बहुत राहत देती है जो गर्मी और बरसात के मौसम में पीड़ित होते हैं। दुर्भाग्य से ऐसी हवाएं गोपियों को कोई राहत नहीं दे सकी, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण के प्रति समर्पण था। सामान्य तौर पर लोगों ने उस सुखद शरद ऋतु की हवा का आनंद लिया होगा, लेकिन गोपियां कृष्ण द्वारा गले नहीं लगाई जा रही थीं, बहुत संतुष्ट नहीं थीं। शरद ऋतु के आगमन पर सभी गाय, हिरण, पक्षी और मादा सामान्य रूप से गर्भवती हो जाती हैं, क्योंकि उस मौसम में सभी पति आमतौर पर कामवासना से प्रेरित हो जाते हैं। ऐसी गर्भवती महिलाएं ठीक उन दिव्यागों की तरह होती हैं, जिन्हें भगवान की कृपा से जीवन में उनके गंतव्यों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री रूप गोस्वामी ने अपने उपदेशामृत में निर्देश दिया है कि व्यक्ति को भक्ति सेवा को बड़े उत्साह, धैर्य और दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए और नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए, अपने आप को भौतिक संदूषण से साफ रखना चाहिए और भक्तों की संगति में रहना चाहिए। इन 6 सिद्धांतों का पालन करने से भक्ति सेवा के वांछित परिणाम को प्राप्त करना निश्चित है। जो व्यक्ति भक्ति सेवा के नियामक सिद्धांतों का धैर्यपूर्वक पालन करता है, उसके लिए निस्संदेह वह समय आएगा जब वह वांछित परिणाम प्राप्त करेगा, जैसे कि महिलाएं गर्भवती होकर परिणाम प्राप्त करती हैं। शरद ऋतु के दौरान झीलों में कमल के फूल बड़ी संख्या में उगते हैं, क्योंकि लिली की अनुपस्थिति होती है। लिली और कमल के फूल दोनों ही धूप से उगते हैं, लेकिन पतझड़ के मौसम में चिलचिलाती धूप केवल कमल की मदद करती है। इस उदाहरण की तुलना उस देश से की जाती है जहां राजा या सरकार मजबूत होती है, चोर और लुटेरे जैसे अवांछित तत्व समृद्ध नहीं हो सकते। जब नागरिकों को विश्वास हो जाता है कि लुटेरों द्वारा उन पर हमला नहीं किया जाएगा, तो वे बड़े संतोष के साथ विकसित होते हैं। एक मजबूत सरकार की तुलना शरद ऋतु में चिलचिलाती धूप से की जाती है, लिली की तुलना लुटेरों जैसे अवांछित व्यक्तियों से की जाती है और कमल के फूलों की तुलना संतुष्ट नागरिकों से की जाती है। शरद ऋतु के दौरान खेत पके हुए अनाज से भर जाते हैं। उस समय लोग फसल से खुश हो जाते हैं और विभिन्न समारोहों का पालन करते हैं, जैसे नवाना, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को नया अनाज की पेशकश। नया अनाज पहले विभिन्न मंदिरों में देवताओं को चढ़ाया जाता है और सभी को इस नए अनाज से बने मीठे चावल लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अन्य धार्मिक समारोह और पूजा के तरीके हैं, विशेष रूप से बंगाल में, जहां इस तरह के सभी समारोहों में सबसे बड़ा आयोजन होता है, जिसे दुर्गा पूजा कहा जाता है।
वृंदावन में पतझड़ का मौसम तब बहुत सुंदर था क्योंकि भगवान कृष्ण और बलराम के सर्वोच्च व्यक्तित्व की उपस्थिति थी। व्यापारिक समुदाय, शाही आदेश और महान ऋषि अपने वांछित आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए घूमने के लिए स्वतंत्र थे। इसी प्रकार पालौकिकवादी जब भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो वे भी अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। बरसात के मौसम में व्यापारी समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है और इसलिए उन्हें अपना वांछित लाभ नहीं मिलता है। न ही शाही आदेश लोगों से कर वसूल करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। जहां तक का प्रश्न है, जिन्हें दिव्य ज्ञान का प्रचार करने के लिए यात्रा करनी पड़ती है वे भी वर्षा ऋतु से बंध जाते हैं, लेकिन पतझड़ के दिनों में ये सभी अपनी हदें छोड़ देते हैं। पालौकिकवादी के मामले में वह एक ज्ञानी, योगी या भक्त हो, भौतिक शरीर के कारण वह वास्तव में आध्यात्मिक उपलब्धि का आनंद नहीं ले सकता है। लेकिन जैसे ही वह शरीर छोड़ देता है या मृत्यु के बाद ज्ञानी सर्वोच्च भगवान के आध्यात्मिक तेज में विलीन हो जाता है, योगी खुद को विभिन्न उच्च ग्रहों में स्थानांतरित कर देता है और भक्त सर्वोच्च भगवान गोलोक वृंदावन के ग्रह पर जाता है या वैकुंठ में से एक, और इस प्रकार अपने शाश्वत आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेता है। इस प्रकार कृष्ण के 20वें अध्याय शरद ऋतु का विवरण का भक्तिवेदांत तात्पर्य समाप्त होता है।